बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज के डे टू में आप सबका स्वागत है। हाय गाइस, दिस इज सुप्रीति एंड यू आर वाचिंग किड्स लर्निंग सुप्रीति चौधरी। डे टू में हम कवर करेंगे बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आगे बढ़ने से पहले हम आपको ज़रूर बता दें कि अगर आपने डे वन मिस कर दिया है तो उसे ज़रूर से देख ले, क्योंकि जैसे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे तो जो वर्ड्स आपको चाहिए बोलने के लिए वो उस वीडियो में है। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं बिना वक्त गवाए और सीखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक वर्ड्स। तो सबसे पहले हमने जो वर्ड्स लिया है वो है आई, वी, यू, शी, ही, इट एंड दे। ये वो वर्ड्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने बारे में या किसी और के बारे में बात करते हैं। इन्हें कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउंस। ये प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस में भी कई कैटेगरी हैं, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस कहलाते हैं और उसमें भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। तो ये चीज़ आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि आगे चल के जब आप टेंसेस सीखेंगे कि सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं तो वहाँ पे कई बार इस बात का जिक्र होगा कि थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, इनके साथ ये वर्ब आती है, ये आता है। तो उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये है क्या। तो फर्स्ट पर्सन कहलाता है आई एंड वी, यानी मैं, वी का मतलब हम। अपने बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट पर्सन कहलाएगा। सेकंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यू, यानी तुम या आप बोल सकते हैं। जब हम किसी से बात करते हैं तो दूसरा पर्सन या व्यक्ति होता है, यानी हम उन्हें तुम या आप करके डिनोट करते हैं। अब आते हैं थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, ही, शी, इट एंड दे। ही यानी वह, शी यानी वह, जब लड़के की बात आए तो ही, जब लड़की हो तब शी का यूज़ करते हैं हम। इट का मतलब है यह या ये, दे का मतलब है वे। तो जब हम तीसरे किसी की बात करते हैं तब थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। तो अब तक आपने सीखे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउंस। तो अब हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस में इनका सेंटेंस फॉर्मेशन। कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे के साथ। इन केस ऑफ प्रेजेंट फॉर्म, यहां पे एग्जांपल देखिए, आई एम हियर, मैं यहां हूं, तो आई के साथ एम का यूज हुआ है, क्योंकि यहां ये प्रेजेंट टेंस में है। पास्ट टेंस की बात होगी तो ये आई वाज देयर, मैं वहां था। फ्यूचर टेंस, आई शैल बी देयर, मैं वहां हूंगा। अब हम दूसरे एग्जाम्पल में आते हैं। जब हम वी का यूज करेंगे तब प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा, देखिए, वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं। पास्ट की बात होगी, वी वेयर फ्रेंड्स, हम दोस्त थे। फ्यूचर की बात,
तो वी के साथ शैल का यूज हुआ है, वी शैल बी फ्रेंड्स, हम दोस्त होंगे। अब आ जाते हैं हम सेकेंड पर्सनल प्रोनाउन पे। देखिए यू यानी तुम या आप, इसके साथ हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में। यू आर स्मार्ट, तुम स्मार्ट हो, पास्ट में हो तो यू वेर स्मार्ट, तुम स्मार्ट थे, और फ्यूचर की बात हो तो यू विल बी स्मार्ट, तुम स्मार्ट होगे। अब आ जाते हैं हम थर्ड पर्सन नल प्रोनाउन पे। ही शी इट या दे, ही यानी वह, जब लड़का हो तो हम ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए प्रेजेंट टेंस में, ही इज एट होम, वह घर पे है। पास्ट टेंस में ही वॉज एट होम, वह घर पे था। फ्यूचर टेंस में ही विल बी एट होम, वह घर पे होगा। जब लड़की की बात हो तो हम शी का यूज करते हैं, और उसका एग्जाम्पल देखिए, शी इज हैप्पी, वह खुश है। शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। शी विल बी हैप्पी, वह खुश होगी। इट का यूज देखिए, इट इज रेनिंग, प्रेजेंट फॉर्म में इसका मतलब होगा इट इज रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। इट विल बी रेनिंग, बारिश होगी। दे का यूज प्रेजेंट फॉर्म में देखिए, दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। पास्ट में दे वेर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं या वे खेल रहे थे। दे विल बी प्लेइंग, वे खेल रहे होंगे। तो अब तक आपने सीखे सब्जेक्टिव फॉर्म्स, अब हम सीखेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स। पर्सनल प्रोनाउंस वो भी थे और ये भी है। इसमें हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम। तो यहां यू एंड इट दोनों ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव फॉर्म्स में सेम होता है, आप देख सकते हो यहां पे। हम अब हम मी का मतलब समझेंगे, मी का क्या मीनिंग है। मी का मीनिंग होता है मुझसे या मुझे। अस का मतलब होता है हमें या हमसे। यू का मतलब तुम्हें या हमसे, अगर बड़े लोग हो हमसे बड़ों को हम आपको कह के डिनोट करते हैं। तो तुम, यू का मतलब हो जाता है तुम्हें या आपको। हिम का मतलब उसे, लड़का हो तो हिम, हर भी उसे, पर अगर लड़की हो तो हर का यूज करते हैं। ईट का मतलब इसे, देम का मतलब उन्हें या उनसे। तो चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि इनका यूज हम कैसे और कहाँ करेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, ही गेव मी अ पेन, वह मुझे पेन दिया। दूसरा और एक एग्जाम्पल देखिए मी का, ही टेल मी द ट्रूथ, वह मुझे सच बताया। हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे, अस का एग्जाम्पल देखेंगे, टीचर कॉल अस, टीचर ने हमें बुलाया। राम विल विजिट विथ अस, राम हमसे मिलने आएंगे। ये हो गया हमारा अस का एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे यू का एग्जाम्पल, आई लव यू,
तुमसे प्यार है। आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपका सम्मान करती या करता हूं। अब चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल में, हिम का देखेंगे कि कैसे यूज करें, हिम से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। गिव इट टू हिम, उसे दे दो। प्लीज टेल हिम, उसे कृपया करके बता दो। डोंट कॉल हर, उसे मत बुलाओ। आई शुड टेल हर, मुझे उसे बताना चाहिए। इट का यूज देखिए, शी लाइक्स इट, उसे वह पसंद है। हैव यू ईटन इट, क्या तुमने इसे खाया। यहां पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहां पे पूछा जा रहा है। अब आखिरी एग्जाम्पल देम का यूज, टेल देम टू कम, उनसे कहो आने के लिए। गिव देम, उन्हें दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बाय बाय।